क्या हाल है मेरा भाई। उम्मीद कर रहा हूँ तुम जहाँ पर भी हो सेफ और सुरक्षित हो। यार आज का जो वीडियो है वो एक ग्रूमिंग प्रोडक्ट का रिव्यू होने वाला है जो हम लड़कों के बहुत काम आने वाली है। तो अगर तो पहली बार चैनल पे आए तो वो सब्सक्राइब के बटन को स्मैश कर दो और बेल आइकन भी टैप कर देना, क्योंकि यार मैं लेके आता हूँ गैजेट ग्रूमिंग टेक से लेकर एंटरटेनमेंट की सारी वीडियो सिर्फ यहीं पर। तो ये फैमिली जरूर ज्वाइन कीजिए मेरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर्डो का लिप लाइटनर। भाई ये प्रोडक्ट ना मैं एक महीने से अपने आप में टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बीइंग ऑनेस्ट ना लिप ब्लैक होना यार ये सबका एक इशू है। सिगरेट पीने वालों को तो इशू होता ही है, तो जरूरी नहीं तो सिगरेट पिया खाली उसके लिप काले होते हैं। ईटिंग हैबिट लाइफस्टाइल के वजह से काफी लोग हैं जिनके लिप्स ऐसे भी काले हो जाते हैं, जैसे मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ, पर यार ये काले लिप वाला इशू इतना है ना मार्केट में कि कोई भी बंदा देख लेता ना दोपहर के टाइम पर 1:30 बजे ऑफिस में तो बोलता भाई चले बाहर, अरे भाई नहीं फूकते, पर क्या करें ये लिप का ब्लैक इशू है एंड बहुत टाइम से है मुझे ये। तो मैं सोचा भाई एक प्रोडक्ट मंगाते हैं एंड बियर्डो का प्रोडक्ट दिखा, मैंने बोला टेस्ट करते हैं एंड आपको आगे बताता हूँ ये कैसा है। तो आज इस वीडियो में बताता हूँ मैं ये मुझे कितने का पड़ा, इसकी ये वैल्यू क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट कैसे, इसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्योंकि भाई इसकी वॉल्यूम देखो इतनी सी वॉल्यूम है खाली, तो बहुत संभल के भी लगाना होता है सो दैट आपका पूरा महीना चल जाए। सब कुछ मिला के इस वीडियो में आगे देखते रहो। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना सो दैट आप मेरे चैनल के सारे लेटेस्ट वीडियोस पे अपडेटेड रहे। देख लो इतने की छोटी सी डब्बी है, इसे पूरा काम करना है। ये खोला हुआ तो ये आप देख सकते हो ये अंदर से कैसा दिखता है, ग्रेश कलर का है। बीइंग ऑनेस्ट थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर है यार इसका टेस्ट है, उसका मतलब नहीं खा जाना है ठीक है। तो थोड़ा संभाल के आराम से इसको लगाएंगे, ज्यादा नहीं यार एकदम हल्का, क्योंकि तो वॉल्यूम इसकी बहुत कम है। और याद रखना मैं इसे लगाता हूँ सोने से पहले, मतलब सोने से कम 2 घंटा पहले, मतलब खाना हो जाने के बाद, खाना हो गया आधा घंटे बाद इसको लगा लो, उसके भाई ऑब्वियसली 2-3 घंटे बाद सो जाते हो, उस हिसाब से इसको लगाना है ठीक है। तो ये मैंने इतना सा वॉल्यूम लिया है, अगर आपको दिख रहा है दैट्स इट, इसको लीजिए एंड फिर आपके पूरे लिप्स के सर्कमफेरेंस पे लगाना शुरू कीजिए। हल्का हल्का सा चाहो तो यार यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये स्किन का बीच का रेशियो है। देखिए भाई ऐसे लगाना है, ज्यादा नहीं क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी लगाना है तो ही आपका पूरा महीना निकलेगा, वरना नहीं निकल पाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा अगर आप ज्यादा लगाना शुरू कर दिए ठीक है। संभल के लगाओ, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, सोने से 2 घंटा पहले लगाना है आपको एंड ये अगर अंदर चला गया तो भी डरने वाली बात कोई नहीं है यार, ये ऐसा कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है कि जो अगर अंदर चला गया तो कुछ हो जाएगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वो बॉडी के लिए ठीक है, तो सॉलो भी हो गया थोड़ा, तो डोंट वरी भाई। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं ना वो नेचुरल एक्सट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसके अंदर है मैंगो बटर है, शी बटर है, आलमंड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ए सी एंड ई का भी मिक्सचर है इसके अंदर। तो भाई ये सब सारी चीज़ें ना अपने लिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। भाई अगर आप स्मोकर हो तो आपको पता है आप इसमें निकोटाइन डाल रहे हो, हीट डाल रहे हो, आपके लिप्स क्रैक हो रहे हैं और काले हो रहे हैं ठीक है। अब मैं आपको सिगरेट बंद करने वाला है तो ये वीडियो है नहीं, मैं आपको बोल नहीं सकता, पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये लगाने से ठीक है आपके जो यहाँ का जो लेयर है वो लाइट होगा। ये मैजिक पिल नहीं है, मैजिक क्रीम नहीं है भाई कि भाई एकदम से काले से उसने लाल कर दिया, गुलाबी कर दिया, ये वो नहीं काम कर रहा। ये काम क्या कर रहा है कि इसे एक लेयर लाइट करेगा, यहाँ पर जो आपके डार्क लेयर बनते हैं उसे गायब करेगा, उसे कम करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, जो होंठ फट रहे हैं अपने उसको मॉइस्चराइज करेगा। तो भाई इस चक्कर में तो भाई इस प्रोडक्ट को मैं टॉप देने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो एक्चुअली ऐसा करता है, जिसने रिजल्ट दिया। मैं खुश हूँ इन टर्म्स बिकॉज मेरे लिप्स को उसने एक लेयर लाइट किया, एक लेयर पिंक किया ठीक है। तो जो क्रैक्स हो रहे थे, फट रहे थे, वो चीज़ उसने क्योर किया, साइड एजेस पे एकदम से लेयर बन गया था काला काला, वो कम हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है उसने अपना टास्क पूरा किया एंड इसलिए मैं इसको भाई रिकमेंड तो करता हूँ। अच्छा भाई एक इंपॉर्टेंट चीज और यार, देख सिर्फ ये चीज लगाने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपने डाइट में भी। तो मैंने जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट किया मेरे हिसाब से मुझे जो लगा था वो था कि भाई मैंने चाय पीना कम कर दिया। मैं काफी चाय से एडिक्टेड हूँ, मैं पीता रहता हूँ दिन में 2-3 बार कॉफी भी, कम करते क्योंकि ये गरम गरम चीज़ें जब आपकी होठों पे लगती हैं तो उसे वैसे भी डैमेज ही कर रही है। और ये लॉकडाउन का टाइम है, थोड़ा चेंजेस कर लो, इम्प्रूवमेंट कर लो, अभी ये वक्त मिलेगा, ये सरकारी छुट्टी बार बार नहीं मिलती है, तो अभी ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लो सो तुमको बाद में थोड़ा फायदा पड़ जाए। तो जितना हो सके ये गरम गरम चीज़ें पीने की जो आदत है ना, सुबह सुबह ये गरम गरम चाय पी रहे हो, ये पी रहे हो या तुम शाम को पी रहे हो, जब भी पी रहे हो, थोड़ा इसको रिड्यूस कर दो, हो सके तो थोड़े ट्रायल के लिए छोड़ दो, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एंड सिगरेट तो आप पी रहे होगे, हो सकता है अगर सिगरेट भी कम कर सको थोड़ा सिगरेट भी कम कर दो, थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें ठीक है। तो भाई ये मुझे पड़ी थी 600 रुपये की, पर मैंने एक नीचे लिंक डाल के रखा है जिससे आपको ये पड़ सकता है कुछ 500 या 550 रुपये के आसपास।
आप इसको लेके अपने कार्ट पे ऐड कर दीजिए। फिलहाल आपको पता है लॉकडाउन के चक्कर में आपको ये मिलेगा नहीं, पर कार्ट पर डाल के ब्लॉक करके रखिए, जैसे इन्वेंट्री और डिलीवरी अलाउ हो जाएगा वैसे ही आप ये प्रोडक्ट को ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कार्ट में ऐड करके नहीं रखेंगे तो भाई ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, फिर बाद में आपको शायद से ना मिले, शायद से डिस्काउंट रेट ना मिले। तो अगर आपको पसंद हो तो नीचे जाके उसे अपने कार्ट पे ऐड कर दीजिए, एंड मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि यार आपको लिप्स का जो ये इशू है कितने सालों से चल रहा है, रीसेंट टाइम से हुआ है या कुछ और एक्टिविटी आपने की है इसलिए हो रहा है। तो मेरा भाई, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर अच्छा लगा तो यार से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहना भाई। हम और वीडियोस लेके आएंगे क्योंकि इस चैनल पे अपन काटेंगे किसी का भी नहीं, अच्छा है तो अच्छा है वरना करके। तब तक मेरे दोस्तों घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ये वायरस से दूर रहो। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी एक और नया वीडियो लेके, तब तक के लिए मेरे डूड आर्मी बाय।